हेलो मेरे जिगर के छुल्लो, कैसे है आप लोग? तो आ गए यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्रेश ताजा झकास गेम प्ले के साथ। यहाँ पर हम उतरे थे मिलिट्री के इस साइड, क्योंकि ऑल पे किसने चैलेंज दिया था जिसमें भी लोगों मिलिट्री वाले एक्सट्रीम रिसर्च लैब पे आ जाना, लेकिन यहाँ पर मुझे तो कोई देखा नहीं और इन शॉर्ट हमारा कट गया फ्रेंड। पर यहाँ पर हमने जल्दी से लूट करी और आगे जाके देखिए क्या मस्त पेलम पाली मचाई है। और इस गेम में जो मेरे संग बग्गी का स्कैम हुआ है वो तो जरूर देखिएगा, फंस फंस के पागल हो जाएंगे जब मैं रो रो के पागल होता हूँ। थोड़ा देर एक बॉट का साउंड आया, हम गए और उसको निपटा दिया। फिर अब यहाँ पे रिजल्ट अंदर लूट लेके हम उसके पास चले गए थे क्योंकि मैंने उसके हाथ में स्कारल देख ली थी। और इस गेम में आप देखिएगा फ्रेंड्स क्या ही स्पॉटिंग की है, जगह जगह क्या ही स्पॉटिंग की है। और क्योंकि एक ये रैंडम किस्म गेम प्ले है तो फिर से ऐसे उठते नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपने साथ वाला होता है तब भी लेने देता है, लेकिन रैंडम तो किस चुराते ही चुराते हैं। कल इस बार दो रैंडम से मेरे शुरुआत में शहीद हो जाएंगे, कल आगे मेरे किल भी चुरे में हो जाकर रुकूंगा। यहाँ पे देखिए मेरी स्पॉटिंग, आपको हल्का सा बंदा देखा था और जैसे ही मुझे फायदा आया मैंने तुरंत उसको फायदा दिया। और अगर अभी देखा तो ये रहा बंदा। फिलहाल अब मैंने अंदर भी बहुत लूट लूट देखी क्योंकि हीलिंग का इतना कुछ खास सामान था नहीं, तो तुरंत मैं निकला सी बिल्डिंग की तरफ क्योंकि उधर से आ रहा फायर। और जहाँ बंदे वहाँ हम तो निकल पड़े। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या ही तबाही करते हैं। एक बंदा मुझे विंडो पे स्पॉट हुआ था, एक वहाँ भी आपके सामने छत पर, और एक अभी आप देखिएगा जब मैं बाइकिंग से स्कोपिंग करूंगा तो मुझे एक और स्पॉट होगा गोरा, ये देखिए विंडो पर। तो टोटली तीन बंदे हैं और इन तीन बंदों को देखेगा कैसे मस्त तरीके से भरेंगे। वो अलग बात है, यहाँ पे स्कारल की कम एमो की वजह से मेरे संग भी एक स्कैम हो गया, बट एट लास्ट हम सर्वाइव कर गए। चाहे रैंडम के संग हो या सोलो या विदाउट रैंडम अपनी टीम के साथ हो, लेकिन मींस ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल ही अलग खेल रहे हैं, उसका हर जाना तो अब चार नंबर को भुगतना ही पड़ा। फिलहाल एक नंबर ने जिसको चार नंबर ने मारा उसको मार दिया था और उसका एक टीममेट वहीं पीछे की साइड था जो हम बाद में आप देखिए कैसे भरेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर आ गए थे बंदे और दोनों साइड से बंदा आया, मैंने तुरंत टीममेट्स को कॉल दिया कि जल्दी से आ जाओ। यूजुअली मैं रैंडम्स के संग अपना माइक खोलता नहीं हूँ तो मैंने मैसेजेस के थ्रू ही बोला। एंड यहाँ पे स्कारल की एमो कम होने की वजह से कुछ मुझे उनकी सपोर्ट की जरूरत थी। एंड लास्ट में मैं नॉक भी उसी वजह से हूँ, सर ऑलरेडी अपना एक बंदा तो खो ही चुके हैं। हमेशा कवर अपने साथ रखते हैं, जैसे मुझे पता था आगे गेट का कवर है, मैं तुरंत कवर लिया क्योंकि मुझे पता था पीछे से बंदा आ रहा है। ये टाइप आपकी कॉम्पिटिटिव में भी काफी यूज आएगी जब आप कवर टू कवर फाइट लेंगे। मैं इसको समझ कर रहा था इसलिए मैंने देखा सामने से उसका तीसरा बंदा आ रहा है जो सामने खिड़की पर स्पॉट किया था, इसको मैंने डैमेज तो काफी कर दिया, लेकिन बाइजन है शॉर्ट रेंज के लिए तो बिल्कुल ही बेकार गन। सर मैंने तुरंत माइक ऑन करके कॉल दिया क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो मैंने तुरंत उनको रेस्ट कर दिया। लास्ट में जाए तो पी एच पी है, मैं उनके आगे जाऊँगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, तुरंत आगे जाओ रेस्ट करो यहीं पे बंदा मुझे साउंड आ रहा है। उन्होंने तुरंत गेट तोड़ा एंड से तो क्या किया, फिर बस रैप वैप लिया, हेलमेट लगाई और पहुंच गए ऊपर बंदों को स्पॉट करने क्योंकि सामने से भी फायर आया था। अरे पबजी वालों कुछ करो भैया, भाई बी एस एस के लिए अलग सेंसिटिविटी रख दो। अब आप देखिए यहाँ पे 4x की सेंसिटिविटी की वजह से कितनी दिक्कत होगी। फिलहाल ये स्पॉटिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। अब मैं आगे जाऊंगा तो आप देखिएगा 4x की सेंसिटिविटी कितना दुखी कर रही है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है जो यहाँ पर दुखी कर रही है। वहाँ सामने बंदा मुंह पे होगा और हम कितनी देर में मारेंगे उसे। ये बंदा हुआ स्पॉट, अब देखिए कैसे हगेगा हमारा जायरो। फिलहाल इतने मुझे ऊपर से एक साउंड आ रहा था घिसने का, लेकिन मुझे पता था बंदा लेटा हुआ है तो इतने साइंस मुझे फाइन नहीं देगा, एक बार मैं इससे लूट ले लेता हूँ। लेकिन वो बंदा तो भैया फुल मूड में था हमें मारने के, लेकिन अब हमने भी सोच लिया था इस वाले को लूट के ही जाएंगे, क्या होता है एसएस के बदले कोई अच्छी 5 AMO की गन मिल जाए, बट नहीं। तो यहाँ जोन आ गया था और मुझे तुरंत निकलना था, मैंने बिना सोचे समझे उस बंदे पर रश कर दिया क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन पता थी। एक अच्छी गन आपको बचाए ना बचाए, एक अच्छे हेडफोन आपको हमेशा बचाएंगे। और अब देखिए उस आपके बच्चे का कैसे फिर से एक बार ट्रोल करते हैं।
ये देखिए बंदा हुआ, अब स्पॉट हुआ, देखिए साइड में उसके पैर दिख रहे हैं, तुरंत घुसे प्रोन, और ये अरे मेरे टीम ने नॉक कर दिया था उसको, मेरा दूसरा टीम में तो रेफ दे ही रहा था, मैं उसको लूटने गया तब मुझे साउंड आया। अब देखिए जिसका साउंड आया उसको कैसे भरते हैं, लिटरली अगर उसको नहीं भरते ना तो हमारे दोनों टीम में उसको खा जाते। ग्राउंड है, भागे जा रहे तीन एस लो के एक लाइन निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिलहाल अब देखिए मिलिट्री बेस से मैं यहाँ तक एक गाड़ी की तलाश में आया और जोन काफी डैमेज दे चुका था। अब आप देखिए भैया मेरे मुंह से निकल गई, इतना बड़ा स्कैम हो गया। अब देखिए मैं एक नंबर को लेने गया कि एटलीस्ट दो में से कोई तो एक बचे, इतने में रास्ते में मुझे दिख गई एक और बग्गी। मैंने कहा एक नंबर भैया आओ मेरे सिंह तुम उठाओ बग्गी और लेकर आओ उन्हें, लेकिन तीन नंबर तो हमारे सिंह स्कैम ही कर गया। बंदा बोट लेके निकल गया, मतलब बंदा बोट लेके निकल गया और एक नंबर उसको लेने गया था। अब आप अपना दिल थाम के बैठ जाइए, जो मेरे संग स्कैम होने वाला है बस आप अपनी नजर एग्जिट बटन पर गुड़ो ही रखी है बिल्कुल, कि क्या मैंने एग्जिट बटन एक बार भी दबाया। ये मैंने एक नंबर को उतार दिया बग्गी लेने के लिए और मैं तो निकल, मैंने कहा ब्रिज पे हील करूंगा। बस बस हो ही गया स्कैम, आप देखिए एग्जिट बटन मैंने दबाया नहीं, आप स्कैम देखिए बंदे इतनी दूर है मेरे। और ये क्या पबजी क्या, कौन से नशे कर रहे हो इतने नशे, अकेला के नशे कर रहे हैं, हमें भी कराओ, हम भी देखें कौन से नशे हैं ये। फिर इस समय मेरे दिमाग में सर एक ही थी और मेरे मुंह पे भी एक ही थी, मेटी मेटी एक बार आ जा 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 एक बार आ जा। इसमें मुझे इस बात की डर नहीं थी कि मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच तो वो जाता लेकिन आपको पता है रिवाइव होते होते भी उसका डैमेज पड़ता है जोन का। मुझे लगता है ऐसा ना हो मुझे लास्ट 5-10 HP पे वो पकड़े और मैं जोन से मर जाऊं। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ जा रहा हूं और मैं तुरंत साइड हो कहीं गाड़ी मेरे पे ना चला दे, आगे खास रैंडम टीममेट वॉइस पर बात तो हो नहीं रही थी। फिर इसने जल्दी से मुझे सही से रिवाइव दिया और हम लोग तुरंत निकले यहाँ से। लेकिन अभी आप ये देखिएगा स्कैम की अभी सिलसिला शुरू हुआ था, मैं फर्स्ट एड लगा रहा था, लास्ट 0.1 सेकंड में फर्स्ट एड कैंसिल हो गए। मैं तुरंत पेन किलर लगाने लगा और तुरंत मैंने बैंडेज लगाई, अगर बैंडेज नहीं लगाया तो गया। यहाँ पे मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि दोबारा बच पाऊंगा, मुझे लगा दोबारा रैप लेना ही पड़ेगा, बट हाँ बच गया। मैंने कहा तुरंत बग्गी में बैठो पेन किलर लगा के, लेकिन इसमें मैं एक नंबर का कॉल है कि बैठ ही जाओ, मैंने कहा बाद में लगाएंगे। अब तीन नंबर भैया मैंने शुरू में भी कहा था जो टीम से अकेले जाएगा भुगतेगा जरूर, अब वो भी भुगतेंगे देखिएगा आप। उस समय तीन नंबर भैया ने बोल तो दिया फॉल बैक टू सेफ जोन SS, लेकिन भैया जल्दी का काम शैतान का, चल अब वो भी हार मान चुका था, उसने बोल दिया था नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने कहा एक नंबर भैया जल्दी गाड़ी में अपनी तशरीफ रखिए वरना जोन हमारी तशरीफ को रखने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर उनके पास बैंडेजेस भी नहीं थी और वो तो मेरे पे भी नहीं थी, उन्होंने जैसी बैंडेज ली हमारे इस ड्रॉप पे रास्ते में ढांचे मिली गई थी, इतने उसने बोला संभव नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने सोचा कि एक बार सामने वाले घरों में रुक जा रहा, मे बी इसने किसी को स्पॉट किया, वैसे कोई था तो नहीं यहाँ पे। एक दो मिनट का मैंने होल्ड दिया, इतने में मैंने अपनी हेल्थ वेल्थ भी बूस्ट कर ली और देख लिया अगर कोई बंदा आ रहा हो तो या पेलम पाली मचा देंगे, फाड़ देंगे, घुमा देंगे, उठा के निपटा देंगे,
फिलहाल यहाँ पर जब कोई नहीं आ रहा था, हमारी हेल्थ भी बूस्ट हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से हम निकल लेंगे और यहाँ से हमें आई साउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या ही तबाही मचाते हैं फ्रेंड्स, पूरे गेम नहीं बोला लेकिन यार अब तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इस बार कर ही दो, मतलब बस उस लाल बटन को ग्रे कर ही दो यार, दबा दो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना जिससे हम जल्द से जल्द मिले। आपको देखिए मैंने आज तक नहीं कहा कि नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लेकिन अब दबा दो यार, बस अब दबा दो। फिलहाल हमारा एक सब्सक्राइबर या फिर वेल विशर है रोहित सोनी नाम के, जो मेरी अधिकतर वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं कि पबजी तेरे बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे और शायरी शुरू कर। तो ब्रो हम शायरी भी जल्दी शुरू करेंगे, फिलहाल यहाँ हमारे चायरों ने हक दिया। एंड फ्रेंड्स जल्दी मेरा शायरी का भी पेज आ रहा है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जरूर देखिएगा उसे। एंड अच्छी लगे तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा एक बार, वाह क्या बात है। फिलहाल अभी हमारा बहुत प्रमोशन हो गया, चलते हैं बंदों पे ऊपर रश करने। मैं ये तो समझ गया था कि वो खिड़की पे बैठा होगा, मैं एक बार कंफर्म करने जा रहा था ऊपर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार इसको आगे जाने दूं, लेकिन ये भी आगे नहीं जा रहा, तो हमने कहा भैया हम ही चले जा रहे हैं आगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। मैं एक बार कंफर्म कर लिया कि इस फ्लोर पे ना हो, वैसे था तो वो टॉप फ्लोर पे ही, लेकिन भैया कंफर्म करने में क्या जा रहा है, स्कैम तो होते रहते हैं। रात देखिए अभी मैप पे पीछे से फायर आ रहा है, मैंने सोचा नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा। अब देखिए फिर से एक बार जायरो दिक्कत करेगा मेरी। असल में ये मैच मैं तब खेलता था रात में 1 बजे में सो के उठा था, उस दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं सो के जस्ट रात में 1 बजे उठा था। तो मेरा पहला गेम तो आपको पता ही है, जब सो के उठो तो पहला गेम हाथ नहीं होता सेट, लेकिन मुझे आगे गुस्सा मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूँ रश क्योंकि मौली भी मतलब फिर हम आ गए उन्हीं की तरफ जहाँ पे पहले फायरिंग हो रही थी, अब यहाँ पे हम इनकी स्पॉटिंग देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक बंदे को स्पॉट किया, मतलब बहुत हल्का सा उसका हेड दिख रहा था, और उस बंदे की लास्ट में किल, उस बंदे की लास्ट में हमारा एक नंबर चुरा रहा था। और अब ये देखिएगा मैंने उसको मोर देन 90 एचपी का डैमेज दिया था। अब खुद कमेंट्स में बताइएगा जरूर क्या वो मेरी किल चोरी हुई थी। और इस वाले घर के जो बंदे थे इनका किल फीड में भी नाम आया था काफी बार, और ये लोग काफी अग्रेसिव खेल रहे थे, तब से यहाँ से कॉन्स्टेंट फायरिंग के साउंड आए जा रहे थे। मैं थोड़ा संभाल के खेलिए था, मैंने बंदे को डैमेज तो दे दिया था, मैं सोचा रश कर दूँ, उसने मुझे हिसाब देखा, और साहब को तो आपको बताइए हमारा पुरानी दुश्मनी है, हम पुराने तरीके से ट्रोल करते हैं, ये पहली वीडियो इस बात पर सबूत है। मैं एक नंबर को बोलना चाहते कि आगे ना जाए, लेकिन माइक ऑफ था, यहाँ पे हम निपटा दिया यार, कर दो यार लाइक कर दो यार, बस कर ही दो अब। तो इसको रिवाइव वाइव दिया, थोड़ी लूट वूट ली, और फिर बराबर वाले बंदे को जो वहां पर हमने हल्का सा हेड किया था स्पॉट, वो अब उस साइड आ चुका था, तो हमने बस कर दिया भैया उस पर, बस रुकेंगे तो ना, क्योंकि अब हमें करनी है पेलम पाली, यू नो पेलम पाली, इट्स बूम बाम पेलम पाली। मैंने नेट खींचा कि बस एक रैंडम नेट था, हल्का बहुत साउंड जज करने के बेसिस पे, क्योंकि बंदा मिड फोन में था, मुझे लगा शायद जरा खींची ले हमारे अगेंस्ट, बट वो नहीं आया भैया, तो क्या है हम घुस जाएंगे, दिक्कत आ रही है। अरे फ्रेंड अब आप शिकायत अच्छा आप शेयर नहीं करते कोई ना, आप बस एक बार जाके डेली मास्टर सीरीज गेमिंग सर्च कर लीजिए, इससे यूट्यूब चैनल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा। फिलहाल यहाँ पर तो आपने देखा ही कम्प्लीट नहीं मिला, किल हो गया चोरी। फिलहाल अब हम जोन इन भी करने वाले थे और बचे हुए 2 बंदों को भी स्पॉट करने वाले थे, अब वो देखिए मैं सिंह स्कैम कर गया, भैया अभी तक दर्द हो रहा बहुत तुम्हारा, अभी तक दुख रहा है।
attention, finally earning something, finally turning something. Form called up a on me. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be nauseous, bitch. That's the consequence, I got this. अब हम यहाँ पुश कर गए और यहाँ हमने की थी छोटी सी गलती एंड उसका हर जाना तो फिर बट नहीं था क्योंकि PUBG इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड आप कितना अपना सेंस लगा सकते हैं। जब मैंने गेम पे देखा इन बंदों को कुछ इतना खास नाम आया तो था नहीं, किल फीड में नीचे अग्रेसिव खेल नहीं रहते और ये बहुत बार होता है कि एट लास्ट जो कैंपर्स या फिर होल्डर्स होते हैं वो आपको मार ही जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चढ़ के बैठे होते हैं और जैसे इस बार चढ़ के बैठा है। मैंने बंदे से तुरंत नेट मांगा था कि भाई नेट दे, मुझे बंदे की साउंड आ रही है ऊपर से। लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए, यहाँ पर थे दो बंदे, अब वो लोग क्या ही मस्त टैक्टिक लगा रहे थे कि एक बंदा पहले हिल रहा था, दूसरा चल रहा था, फिर दूसरा हिल रहा था और पहला वाला चल रहा था, जिसकी वजह से हमें काफी कंफ्यूजन हुआ। और देखिए जैसे मुझे बंदा चलो ऊपर रहा है, मुझे यहाँ पे क्राउड करके पहले टीपी गलती की है तो मुकदमा तो सही की तो नहीं, क्योंकि उसने मस्त और क्रिस्टल भी निकाल दी जब बंदा मैंने डैमेज दे रखा था। फिलहाल आज के गेम प्ले के लिए इस बार तो लाइक बनता है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नो हिल चैलेंज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स तब तक।